क्या आपने कभी सपने देखे हैं? ऑफ कोर्स देखे ही होंगे, और अगर नहीं देखे तो देखना शुरू कीजिए, क्योंकि सपने सच होते हैं। और ये हमें पता चलता है हमारी आज की फिल्म से। आज हम एक बायोग्राफिकल फिल्म अक्टूबर स्काई की कहानी सुनते हैं, जो होमर एच हिकमैन के बारे में है। मूवी 1957 में शुरू होती है एक छोटे से गाँव कॉलवुड वेस्ट वर्जीनिया में, जहाँ बहुत लोगों का प्रोफेशन कोल माइनिंग था। होमर एक माइन सुपरिटेंडेंट के बेटे होते हैं और इनका एक भाई होता है। होमर के पिता चाहते हैं कि वो दोनों कोल माइनिंग ही ज्वाइन करें। होमर के भाई का कॉलेज में एडमिशन होता है और वो चला जाता है, और होमर अपने पिता के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए घर पर ही रह जाते हैं। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पेस में पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट स्पूतनिक 1 भेजा था। स्पूतनिक होमर के गाँव के थ्रू पास होने वाली थी, तो गांव के सब लोग जमा हो गए ये हिस्टोरिकल मोमेंट एक्सपीरियंस करने के लिए। होमर भी उनमें से एक थे। जब होमर ये मोमेंट एक्सपीरियंस करते हैं तो वो बहुत फैसिनेट होते हैं, और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। वो चाहते हैं कि वो रॉकेट बनाए, पर प्रॉब्लम ये थी कि उनके पिता चाहते थे कि वो कोल माइनिंग में ही जॉब करें। होमर घर जाकर अपने माँ बाप से बात करते हैं कि वो रॉकेट बनाना चाहते हैं, और जैसे किसी मिडिल क्लास फैमिली का रिएक्शन होना चाहिए, होमर की फैमिली का भी वही रिएक्शन होता है, और वो उनसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो कोल माइनिंग की जॉब पर ही फोकस करें। होमर को अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, पर उसने हार नहीं मानी, और उन्होंने अपने दो दोस्तों रॉय और शर्मन की मदद से रॉकेट बनाना शुरू किया। वो लोग बहुत मेहनत करके एक रॉकेट का मॉडल तैयार करते हैं, पर जैसे ही वो रॉकेट टेस्ट करते हैं, रॉकेट जमीन पर ही ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट से होमर की माँ के गार्डन के फेंस डैमेज हो जाते हैं। पर होमर रॉकेट बनाने का सपना देखता रहता है, और उसके लिए लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ता है रॉकेट बनाने के लिए। इसके बाद होमर अपने क्लास के क्विंटिन से बात करता है, जो कि एरोस्पेस में काफी इंटरेस्टेड थे। होमर क्विंटिन को अपने सारे प्लान्स बताता है, और क्विंटिन बहुत इंटरेस्टेड होता है और वो उनके साथ काम करने लगता है। फाइनली ये चार दोस्त होमर, क्विंटिन, रॉय, शर्मन मिलकर रॉकेट बनाने पर काम शुरू करते हैं, और फाइनली वो लोग एक बेसिक सा रॉकेट तैयार करते हैं और लॉन्च करने की तैयारी करते हैं। वो रॉकेट लॉन्च तो होता है, पर वो होमर के पिता के माइन में जाकर क्रैश होता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसकी वजह से होमर के पिता को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने होमर को काफी डांटा। होमर और उसके दोस्तों को समझ आता है कि गाँव के बीच में ये काम करना सेफ नहीं है, और रॉकेट के लॉन्च से गांव के लोग डर जाते हैं, और इसलिए वो लोग अब गांव से थोड़ा दूर एक खुले मैदान को ढूंढते हैं और वहां पर काम करना शुरू करते हैं, ताकि सब सेफली हो जाए। ये चारों बिग क्रीक हाई स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन इनकी साइंस टीचर मिस राइली अनाउंस करती है कि इनके स्कूल में एक साइंस फेयर होने वाला है, और जो वो जीतेगा उसे स्कॉलरशिप मिलेगी कॉलेज जाने की। होमर डिसाइड करता है कि वो साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि वो लोगों को अपना रॉकेट दिखाना चाहता था। एक रॉकेट बनाने के लिए होमर को काफी सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए थी, स्पेशली मैथमेटिक्स। अब होमर डिसाइड करते हैं कि वो रॉकेट बिल्ड करने के लिए दिन रात पढ़ाई करेंगे। वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के डिफरेंट सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स पढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ वो चारों उस खुले मैदान में रॉकेट बिल्ड करने का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। वो बहुत बार फेल हो जाते हैं, कभी रॉकेट लॉन्च नहीं होता तो कभी लॉन्च होने के बाद ब्लास्ट हो जाता, और इस वजह से उनकी क्लास के लोग उन पर हंसते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये चारों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। होमर और उनके दोस्तों को पता चल चुका था कि उन्हें अब अच्छे मटेरियल्स की जरूरत है, ताकि वो अच्छा रॉकेट बना सके। वो एक कोल माइनर आईके बाइकोविस्की से बात करते हैं, जो उन्हें अपनी मशीन शॉप यूज करने देता है, पर होमर के पिता को ये बात पता चलती है और वो उसका ट्रांसफर कर देते हैं। पर इससे उनका हौसला कम नहीं हुआ, उन्होंने टेस्टिंग चालू रखी। एक दिन उनके खुले मैदान में एक वेल्डर आता है जो माइन पर काम करता है। वो उनका रॉकेट देखता है और बोलता है कि उन्हें अच्छी क्वालिटी का लोहा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लो क्वालिटी के लोहे से उनका नोजल जल रहा था। होमर और उनकी टीम डिसाइड करती है कि वो अच्छा आयरन यूज करेंगे, पर इसके लिए उनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो एक पुराने रेलवे ट्रैक का आयरन निकालते हैं, क्योंकि वो यूज में नहीं था। पर जैसे ही वो आयरन निकालते हैं, तभी ट्रेन की आवाज आ जाती है, और वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी वजह से अब इस ट्रेन का एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। ट्रेन को बचाने के लिए वो रेलवे ट्रैक के आगे आ जाते हैं, ताकि वो ट्रेन ड्राइवर को बता सके कि रास्ता खराब है।
पर यहाँ एक फनी चीज होती है कि वहाँ एक ट्रेन डाइवर्जेंट होता है, होमर और उसके दोस्तों को वो नहीं दिखता और ट्रेन दूसरे ट्रैक पर चली जाती है और वो बच जाती है। फाइनली अब वो उस आयरन की वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें उनकी मदद वो वेल्डर करता है। वो उनके लिए एक हाई क्वालिटी नोजल तैयार करता है। अब वो फिर से लॉन्च की तैयारी करते हैं एक नए और स्ट्रॉन्ग नोजल के साथ, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। लेकिन होमर अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो फिर से एक नया मॉडल तैयार करता है। इस बार होमर का भाई सारे गांव के लोगों को जमा करता है उनका मजाक बनाने के लिए। अब उनकी टीम भी रॉकेट लॉन्च करने से डर रही थी क्योंकि उनको डर था कि अगर वो फेल हो गए तो इन सब के सामने मजाक बन जाएगा। लेकिन तब उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी टीचर राइली आती है और इस बार वो रॉकेट लॉन्च होता है और वो सक्सेसफुल होता है, और ये देखकर गांव वाले उन्हें शाबाशी देते हैं। मिस राइली काफी इंप्रेस होती है और वो उनको एक अप्लाइड रॉकेट साइंस की बुक गिफ्ट करती है। इस किताब से वो रॉकेट की ट्रेजेक्ट्री यानी की पाथ कैलकुलेट करना सीखते हैं। यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर टर्नर मिस राइली को बोलते हैं कि वो अपना टाइम साइंस वाले स्टूडेंट पर वेस्ट करना बंद कर दे क्योंकि हर साल स्कॉलरशिप सिर्फ फुटबॉल वालों को ही मिलती है। पर मिस राइली ने इन बच्चों में कुछ खास देख लिया था और वो उनका साथ नहीं छोड़ती। अब गांव की लोकल प्रेस भी उनका इंटरव्यू लेती है और न्यूज़पेपर में भी इनके रॉकेट की खबर छपती है। पर न्यूज़पेपर में ये भी लिख दिया जाता है कि इनके रॉकेट की वजह से पास के जंगल में आग लग गई जिसकी वजह से पुलिस उनको अरेस्ट करने आती है। उसी टाइम फिर होमर के पिता आते हैं और इस बार वो किसी तरह उन्हें बचा लेते हैं, पर इस वजह से उनको स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। वो लोग निराश होकर प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं। फिर कोल माइन में एक एक्सीडेंट होता है और आईके बाइकोविक्सी की जान चली जाती है। होमर के पिता को भी इंजरी होती है जब वो माइन में वर्कर्स को बचा रहे थे। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए होमर को अब माइन में काम करना पड़ता है। होमर की माँ चाहती थी कि होमर अपने रॉकेट पर ही काम करे और अपना सपना पूरा करे। वो ये बात मिस राइली को बताती है क्योंकि अब होमर ने उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि उनके पिता उनसे माइनिंग में काम कराना चाहते थे। मिस राइली होमर से बात करती है और उसे काफी मोटिवेट करती है अपने सपने के पीछे भागने के लिए। होमर फिर से रॉकेट की पढ़ाई शुरू करता है और वो अपने पुराने रॉकेट की ट्रेजेक्टरी यानी पाथ कैलकुलेट करता है जिसकी वजह से पुलिस ने कहा था कि वहाँ आग लग गई थी। वो ये कैलकुलेशन लेके क्विंटीन के पास जाता है और दोनों जंगल में उस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करके वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उनका रॉकेट गिरा होना चाहिए था। उन्हें अपना रॉकेट वहाँ पानी में मिलता है जिससे प्रूफ हो जाता है कि जंगल में आग उनकी वजह से नहीं लगी थी। वो लोग अब स्कूल जाके क्लास में प्रिंसिपल के सामने सारी ट्रेजेक्टरी की कैलकुलेशन दिखाते हैं जिससे प्रूफ होता है कि वो बेकसूर है। ये देख के प्रिंसिपल उनसे माफी मांगता है और वापस स्कूल आने की परमिशन देता है। इस सब के बाद उनका हौसला बढ़ जाता है और वो अब रॉकेट का काम फिर से शुरू करते हैं। लेकिन होमर के पिता उन्हें देख लेते हैं और वो उन्हें डांटते हैं कि वो माइन में क्यों नहीं आते, पर अब होमर उनकी बात नहीं सुनता और अपने सपने के लिए उनसे लड़ता है। अब साइंस फेयर का दिन आता है और होमर और उनके दोस्त का प्रोजेक्ट जीत जाता है। ये फेयर जीतने पर उन चारों में से किसी एक को अपॉर्चुनिटी मिलनी थी नेशनल फेयर में पार्टिसिपेट करने की जो कि इंडियाना पुलिस में होने वाला था। चार दोस्तों का ये ग्रुप होमर को सिलेक्ट करता है। दूसरी तरफ होमर के पिता की माइंस पर सारे वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं और ये होमर के चार दोस्तों में से एक रॉय के स्टेप फादर ने करवाया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस पर होमर के पिता कंट्रोल करें। और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो होमर के पिता पर गोली से हमला भी करते हैं पर उनका निशाना चूक जाता है। इस बात पर होमर की बहस अपने पिता के साथ होती है और वो घर छोड़ने की धमकी देते हैं। अब होमर अपने साइंस फेयर में जाते हैं। वहाँ रातों रात उनके रॉकेट का नोजल चोरी होता है और साथ ही साथ एक साइंटिस्ट डॉक्टर वर्नर वॉन ब्राउन का ऑटोग्राफ भी। होमर जल्दी से अपनी माँ को कॉल करता है और उन्हें बोलता है कि नोजल उसे एक रात में ही चाहिए जो सिर्फ माइन का वेल्डर ही बना सकता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि माइन बंद थी स्ट्राइक की वजह से। होमर की माँ उसके पिता के पास जाती है ताकि वो माइन खोल दे और अपने बेटे को सपोर्ट करे। उनके पिता मना कर देते हैं जिस पर उनकी माँ बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो उनके बेटे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो उन्हें छोड़ने की धमकी देती है जिसकी वजह से उनके पिता मान जाते हैं। वेल्डर पूरी रात काम करके नया नोजल बनाता है और साइंस फेयर तक पहुंचा देता है। फाइनली होमर को इस साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज मिलता है और उन्हें गोल्ड मेडल कोई और नहीं बल्कि उनके सपनों की शुरुआत करने वाले स्पूतनिक के साइंटिस्ट डॉक्टर वर्नर वॉन ब्राउन ने ही पहनाया जिनका ऑटोग्राफ होमर से किसी ने चोरी कर लिया था।
पर प्राइस लेते टाइम होमर को यह रियलाइज हुआ कि वो डॉक्टर ब्राउन थे जो उन्हें मेडल पहना रहे थे। इसके बाद उसे बहुत स्कॉलरशिप ऑफर्स मिलते हैं और होमर बहुत फेमस हो जाता है। इसके बाद होमर को खबर मिलती है कि उसकी स्कूल टीचर मिस राइली को हॉकिंस लिम्फोमा हो गया है, जो एक टाइप का कैंसर होता है। होमर उनसे मिलने हॉस्पिटल जाते हैं और उन्हें अपना मेडल दिखाते हैं। हैरानी की बात ये थी कि होमर के पिता अभी भी उनसे नाराज थे। इसके बाद उन सब ने बड़ा रॉकेट बनाया जिसका नाम मिस राइली रखा, जो उनकी स्कूल टीचर थी। उनकी सक्सेस का बड़ा रीजन मिस राइली का सपोर्ट और मोटिवेशन था। फाइनली लॉन्च का दिन आता है और आज उनके पिता पहली बार उन्हें सपोर्ट करते हुए उनका पहला रॉकेट लॉन्च अटेंड करने आते हैं, जिसे देखकर होमर को बहुत खुशी होती है और वो अपने पिता को लॉन्च का बटन प्रेस करने का सम्मान देते हैं। ये रॉकेट 30,000 फीट की ऊंचाई तक जाता है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा है। लॉन्च के बाद होमर के पिता उनके कंधे पर हाथ रख के स्माइल करते हैं, ये बताने के लिए कि वो काफी प्राउड है। मूवी के एंड में होमर की रियल लाइफ की फुटेजेस दिखाई जाती हैं, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे होमर ने आर्मी ज्वाइन की और उसके बाद नासा में भी काम किया। इस मूवी से हमने काफी कुछ सीखा। हमने सीखा कि अपने सपनों के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने सपनों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ेगा। इस मूवी में एक डीप मैसेज सभी पेरेंट्स के लिए भी है कि वो अपने बच्चों को अपने सपनों में ना डाले। हर बच्चे की अलग इमेजिनेशन होती है और वो यूनिक होती है, और अगर उन्हें प्रेशराइज करने की जगह उन्हें सपोर्ट दिया जाए तो ये आसमान की ऊंचाइयां छू सकते हैं, जैसे होमर ने की। दूसरी बात, आप ये भी सीखते हैं कि टीचर्स का रोल स्टूडेंट्स की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। मिस राइली की सपोर्ट और मोटिवेशन की वजह से होमर और उनकी टीम सक्सेसफुल हो पाई। टीचर्स डेफिनेटली एक देश का भविष्य बनाते हैं, जैसे कि आपने इस मूवी में देखा। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवी से हम आपको इंस्पायर कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरी सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।